कश्मीर मसले को लेकर परेशान पाक के नेता आपस में ही भिड़ते चले जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, जिस तरह से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र यहां पर बता रहे थे, विपक्षी नेता बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के टुकड़े की बात कह डाली है। दरअसल बिलावल ने कहा है कि इमरान सरकार सिंधी लोगों पर जुल्म कर रही है और उस जुल्म की वजह से बांग्लादेश की तरह सिंधु देश और पाकिस्तान भी बन सकता है। तो सिंध प्रांत में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है और उस पर पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बिलावल को ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो देख सकते हैं किस तरह से टुकड़े टुकड़े का जो जिक्र है वो पाकिस्तान के भीतर से ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जो पीपीपी पार्टी के अध्यक्ष है, प्रमुख है, उन्होंने यहाँ पर इमरान खान को साफ शब्दों में कहा है कि जिस तरह से आप कराची पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं वो आप ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो चार टुकड़ों में बंटकर रह जाएगा। तो बिलावल भुट्टो ने ये कहा है इमरान खान को कि सिंधी लोगों पर जुल्म जिस तरह से आप कर रहे हैं, जुल्म की वजह से ही बांग्लादेश की तरह सिंधु देश और पाकिस्तान भी बन सकता है, तो कराची पर कब्जे की जो रणनीति है वो आप ना ही बनाए। बिलावल भुट्टो ने क्या कुछ कहा या आपको सुना देते हैं। ये आजकल की पुटली और उनके है झोली ताकतों क्या समझते हैं, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी आखिरी वक्त तक उन कुतों के सामने एक दीवार की तरह साबित हो जाएंगे जो हमारे वफा की तरफ माने आप दिखाते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और जमहूरी कुवत को कमजोर करते रहो, आप अपने ही अवाम पे जुल्म करते रहो, आप अपने के अवाम के मुआशी हकूक इंसानी हकूक को छीनते रहो और फिर इसके ऊपर उनके शहर पर उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करो। आप समझते हो कि आपका वफाक बचेगा? हम तो आखिरी दम तक बचाने की कोशिश करेंगे, हम अपना खून देंगे, सर देंगे, मगर पाकिस्तान को आंच नहीं आने देंगे। तो चलिए, इनपुट हेड हमारे साथ धर्मेंद्र लगातार यहां पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से आपने भी पहले बताया कि किस तरह से यहां पर पाकिस्तान के भीतर ही टुकड़े टुकड़े के जो राग हैं वो सुनाई दे रहे हैं, लेकिन अगर ये बयान आपने सुना हो तो इसमें एक जिक्र यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने ये भी किया है कि कश्मीर पर केंद्र का जो शासन किया गया है, जिस तरह से धारा 370 हटाई गई उसके बाद केंद्र शासित वो राज बन गया है, उसको लेकर इमरान खान यहां पर लगातार बातें कर रहे हैं लेकिन कराची पर ही कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको लेकर यहां पर बिलावल भुट्टो ने जिक्र भी किया है कि आप पहले तो नरेंद्र मोदी को बोलते हैं, भारत के प्रधानमंत्री को, और फिर वही हरकत खुद भी करते हैं। जी, आपको बता दें कि कल इमरान खान का भी जो बयान आया है वो का जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे धारा 149 है जिसके तहत एक तरीके से राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश वो करते नजर आए हैं कराची पर, चूंकि कराची जो है पाकिस्तान का लगभग 60% जो अर्थव्यवस्था है वो कराची शहर से चलती है, वो अब समुद्र से सटा हुआ इलाका है जहाँ से सारे जो व्यापार मार्ग जुड़ते हैं, और उस कराची पर एक कब्जा करके ऐसा वहाँ के जो राजनीतिक दल है वो आरोप लगा रहे हैं इमरान खान पर कि ये कराची शहर को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर पहली जंग तो वहीं छिड़ गई है। दूसरी बात, कल सूरत में जो राजनाथ सिंह ने बोला, राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से नसीहत और चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा, अगर आतंकवाद को पनाह देना बंद नहीं किया, तो जैसा कि आपने देखा कि पूरे कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग और हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक गया, दरवाजा खटखटाया, पूरे विश्व में सबके आगे हाथ फैलाया, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। अब ऐसे में वो सिर्फ अपने घर का बन के रह गया है। अब अंतिम जो अवस्था है और यही है कि वो अब पीओके को बचाने की कोशिश कर रहा है। परसों आपने देखा कि तीसरी बार जब से 370 हटाया धारा, सबसे तीसरी बार वहाँ के इमरान खान ने पीओके का दौरा किया। 15 अगस्त के दिन उनके तीनों सेनाओं के प्रमुख और इमरान खान और ये बिलावल भुट्टो सारे लोग पीओके में मौजूद रहे, क्योंकि उन लोगों को अब डर सताने लगा है कि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अगर हम लोग अगर सही रास्ते पे नहीं है तो हमारे हाथ से पीओके जल्द ही चला जाएगा। लेकिन धर्मेंद्र, इसको किस तरह से समझा जाए, क्योंकि हमने जैसे बताया कि यहाँ पर कश्मीर मसले को लेकर तो लगातार वो हमला कर रहे हैं भारत पर, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए खुद कराची पर हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से आपने भी कहा कि कराची वो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की, जो आर्थिक मदद यहाँ पर पहुंचाती है और उसको छेड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। बिलावल भुट्टो का ये जो बयान सामने आ रहा है, क्या माना जाए आने वाले वक्त में चार हिस्सों में बंटकर रह जाएगा पाकिस्तान? अब जी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जैसे कि जो भी पैसा पैदा होता है वो कराची शहर से सबसे ज्यादा पैदा होता है, जो पाकिस्तान में लाहौर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, जो भी शहर देख लीजिए,
तो और कहीं से उनका आर्थिक स्रोत नहीं है। अब ये अब आर्थिक रूप से पाकिस्तान एकदम जर्जर हो चुका है। आपने देखा होगा कि डॉलर का भाव पाकिस्तानी रुपया कितना 200-250 के ऊपर पहुंच चुका है। तो ऐसे में अब वहां हालात ये है कि आप झोले में पैसा लेकर जाइए और पॉकेट में सामान लाइए, ये स्थिति बन चुकी है। ऐसे में वो देख रहे हैं कि मात्र कराची ऐसा शहर है जहां पर जाकर हम अपनी सत्ता को बचा सकते हैं, क्योंकि महंगाई से भी जनता त्रस्त है। वहाँ के जो आम नागरिक है वो भी नहीं चाहते कि केवल कश्मीर का राग अलाप करके और हम लोग कंगाल बिल्कुल रहे बिल्कुल धर्मेंद्र। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से इस पूरे मसले को लेकर अब यहाँ पर बयानबाजी शुरू हो गई है, आगे इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ होगा पाकिस्तान में, ये बेहद ही देखना दिलचस्प होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चुका है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।